नमस्कार, मैं संदीप कुमार शुक्ला स्वागत करता हूं आपका संदीप सर जीके में। चलिए राइडियर, 8 बज चुका है और 8 बजे हमारी क्लास होती है। कौन सी? 8 बजे 8 PM में हमारी क्लास होती है थ्योरी की। शानदार क्लास, एक नंबर की क्लास, क्लास ऐसी क्लास जहां से सीधा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। ऐसे टॉपिक जो टॉपिक हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, हमेशा ट्रेंडिंग टॉपिक रहते हैं। क्लासेस का टाइम एक बार फिर से बता दूं आप लोगों को, ठीक है? तो क्लासेस का टाइम ये है माय डियर कि सुबह 9 बजे होती है जीके एक्सप्रेस की क्लास। सुबह 9 AM जीके एक्सप्रेस होता है, जहां पर 10 मिनट में 25 क्वेश्चन कराए जाते हैं। साथ ही साथ शाम को 8 बजे होती है थ्योरी की शानदार क्लास, जहां पर एक नंबर की थ्योरी कराई जाती है शाम को 8 बजे। रात को 10 बजे होती है आपका क्वेश्चन आंसर की एक नंबर की शानदार क्लास, बेहतरीन क्लास। और रात को 12 बजे होता है संदीप सर की फेमस जीके खजाना की क्लासेस, एक नंबर क्लासेस, शानदार क्लासेस। आपको थोड़ा सा चेंज आ रहा होगा मेरी आवाज में, मेरे स्टूडियो में। देखो, अभी हुआ यूं था कि जब मैं जबलपुर से सोनकच्छ गया था, सोनकच्छ में मैडम की पोस्टिंग थी, देवास के पास एक तहसील है, तो वहां पर था कि ट्रांसफर नहीं होगा, शायद चल रहा था कि एक साल वहीं रहेंगी, तो मैं आ गया था। लेकिन अभी हाल ही में 4 दिन पहले फाइनली ट्रांसफर हो गया और फाइनली उनको देवास में भेज दिया, खास देवास डिस्ट्रिक्ट में, शहर में। तो अब देवास शिफ्ट हो गए हैं, ये फाइनली ट्रांसफर हो चुका है। अब मिनिमम 3 साल तक ट्रांसफर नहीं होगा, ठीक है? तो अब फाइनली सेटअप तैयार है, बेहतरीन रूम है, बेहतरीन स्टूडियो बनाया है। कभी स्टूडियो का टूर कराऊंगा, एक नंबर स्टूडियो बनाया, इसी में 2-3 दिन लग गया मेरा, उसके लिए माफी चाहता हूँ। क्लास को स्टार्ट करते हैं माय डियर। चलिए मैं फिर से बोल दूं, अभी आपकी 2 क्लासेस और स्टार्ट होने वाली हैं, एक स्पेशल थ्योरी क्लास जो बड़ी थ्योरी की क्लासेस होगी और एक स्पेशल क्वेश्चन आंसर की क्लासेस, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। ये जो क्लास है ये इस एग्जाम के लिए है, ऑल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे होंगे, ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है। डन, जीके के लिए, SSC, रेलवे, UPSC, State PSC, जितने एग्जाम्स होते हैं सारे एग्जाम के लिए। टॉपिक क्या है? टॉपिक है 5-year plan, पंचवर्षीय योजना। आपको पता है कि पंचवर्षीय योजना से हमेशा सवाल एग्जाम में, बेटर थ्योरी छोटी छोटी क्लासेस होंगी उसमें कमेंट्स नहीं पढ़ूंगा मैं आपके, बड़ी क्लासेस में कमेंट पढ़ो। छोटी क्लासेस में कमेंट पढ़ने से क्लास के ड्यूरेशन भी बढ़ जाता है बेवजह का और टाइम वेस्ट होता है, ठीक है? चलो, तो जो 5-year plan है, पंचवर्षीय योजना, होता क्या है, क्यों लाया गया, कैसे लाया गया, सारी की सारी बात आज मैं इस टॉपिक पे कवर कर दूंगा। 20 से 25 मिनट का वीडियो होगा, इससे ज्यादा का नहीं होगा, प्रॉमिस। स्टार्ट करें क्लास को। चलो, जब आप घर बनाते हो, शादी करते हो, मान लो आप शादी कर रहे हैं, ठीक है, आपने शादी की, तो शादी करने के बाद में आप देखते होंगे कि इंसान प्लानिंग करता है, करता ना भाई। जैसे मेरी अभी शादी हुई है तो हमने प्लानिंग किया कि भाई साहब घर कहाँ बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, कहाँ जमीन लेना है, ठीक है, फिर कहाँ पर रहना है, कहाँ पर बच्चों को पढ़ाना है, सारी प्लानिंग होती है, होती है ना। वैसे ही जब देश का जन्म हुआ हमारे, मतलब देश जब हमारा आज़ाद हुआ 1947 में, 15 अगस्त 1947 को जब पावर ऑफ अटॉर्नी हमको दी गई, ट्रांसफ़र की गई, तो अपने हिंदुस्तान के नेताओं के सामने एक सवाल था कि देश को कैसे आगे बढ़ाया जाएगा। तो इकोनॉमी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है किसी भी देश के लिए, अर्थव्यवस्था, भाई देश कैसे चलेगा, इंडस्ट्रीज़ होंगी कि नहीं होंगी, खेती कैसे होगी, सारी चीज़ें, ढेर सारी चीज़ें। तो हमने पूरी दुनिया को देखा कि भाई बाकी लोग कैसे करते हैं, अपन लोग करते हैं ना, जब मतलब घर बनाना होता है तो हम आजू बाजू वाले का घर देखते हैं कि भाई ये कैसे बना है, तो वैसे हम भी बनाएंगे, आइडिया लगता है। तो वैसे हमने पूरी दुनिया के देशों को देखा और जब पूरी दुनिया के देशों को हमने देखा तो हमको एक मॉडल पसंद आया USSR का, यूनाइटेड सोवियत संघ रसिया का, जिसे सोवियत संघ रूस भी कहा जाता है। इसका मॉडल ये पसंद आया कि ये प्लान बनाता था, प्लान कैसे, 2-2 साल के, 4-4 साल के, 5-5 साल के, 10-10 साल के, और वो प्लान को फॉलो किया जाता था। ये हमको मॉडल पसंद आया और इसी मॉडल के आधार पर हमने देश की एक प्लानिंग बनाई, एक स्ट्रक्चर बनाया। तो कहाँ से हमने इन्फ्लुएंस है, USSR से। क्वेश्चन पूछता है ये मॉडल हमने कहाँ से अपनाया है, ये मॉडल हमने USSR से अपनाया है। क्लियर रहेगी बात, डन ना। चलिए, कौन सा मॉडल है, हमने क्या किया कि मार्च 1950 में 15 मार्च डेट है, 15 मार्च 1950 को हमने एक बॉडी बनाई और उस बॉडी का नाम दिया प्लानिंग कमीशन। क्या कहा? प्लानिंग कमीशन, योजना आयोग कहा।
और ये जो प्लानिंग कमीशन है, जो योजना आयोग है माय डियर, इसका काम यह था कि ये देश के लिए प्लानिंग करेगा, देश के लिए योजनाएं बनाएगा, देश के लिए ब्लूप्रिंट बनाएगा, रास्ता बनाएगा कि देश कैसे इकोनॉमिक स्ट्रक्चर पर तरक्की करेगा, देश की इकोनॉमिक मॉडल क्या होगा। किसने? प्लानिंग कमीशन को करना था। प्लानिंग कमीशन को जब हमने बनाया तो इस प्लानिंग कमीशन का जो चेयरमैन हुआ करता था, अध्यक्ष कौन हुआ करता था? देश का प्रधानमंत्री। और उस टाइम पे देश के पीएम कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन पूछता है प्लानिंग कमीशन के पहले चेयरमैन कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद में जो इसके डिप्टी चेयरमैन हुआ करता था, उपाध्यक्ष हुआ करता था, उस टाइम पे इसके पहले उपाध्यक्ष थे गुलजारी लाल नंदा। कौन थे? गुलजारी लाल नंदा। क्लियर रहेगी बात? चलिए, अब ये जो प्लानिंग कमीशन था, इसने ब्लूप्रिंट बनाया। और ब्लूप्रिंट में इसके ऐसा था कि हर एक पांच पांच साल के लिए, 5 ईयर्स के लिए एक टारगेट बनाया जाएगा, पांच पांच साल का टारगेट बनाया जाएगा और पांच पांच साल के टारगेट्स को पूरा किया जाएगा। ठीक है, इस पांच साल के टारगेट को कहा गया 5 ईयर प्लान। क्या कहा गया? 5 ईयर प्लान। हिंदी में कहा गया पंचवर्षीय योजना। कितने साल का? पांच पांच साल का। क्लियर बात? ठीक रहेगा, डन। तो चलिए आज हम देखते हैं कि इस 5 ईयर प्लान में कितने 5 ईयर प्लान हमने बनाए हैं, कितनी पंचवर्षीय योजनाएं हमने बनाई हैं और क्या टारगेट आया और एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछता है। शुरू कर, जितनी बातें मैंने बताई हैं ध्यान रखना, अगर कभी आपसे क्वेश्चन पूछे तो बेहतरीन ऐसे स्ट्रक्चर बना कर लिखना कि ये हमने किया फिर ऐसा बनाया और फिर जाके पॉइंट टू पॉइंट बात करना। तो पहला 5 ईयर प्लान आता है, ये देखिए योजनाओं के बारे में लिखा है, ये देखिए जो मैंने अभी आपको बताया है सेम चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, 15 मार्च 1950 डेट लिखी है, सारी चीज़ यहाँ पर लिखी है, जो मैंने बताया है वही चीज़ लिखी हुई है यहाँ पर। ठीक है, चलो, ये हिंदी में है और ये सेम चीज़ यहाँ पर आपको इंग्लिश में मिल जाएगी। ठीक बात, चलिए आगे बढ़ते हैं मैडिया। अब ये जो 5 ईयर प्लान है, इसमें पहला 5 ईयर प्लान हमने बनाया था 1951 से 1956 का। पूछता है कि फर्स्ट 5 ईयर जो प्लान हमने बनाया था उसकी टाइमिंग क्या थी? उसकी टाइमिंग थी माय डियर 1951 से लेकर के 1956, याद रहेगा। चलिए, एक क्वेश्चन ये पूछता है कि जो पहली पंचवर्षीय योजना थी 5 सालों की, वो कब से कब तक थी? 1951 से 1956। दूसरा क्वेश्चन पूछा करता है कि किस मॉडल पर बेस्ड था? ये हेराल्ड डोमार मॉडल पर बेस्ड था। बड़ा फेमस क्वेश्चन है, क्लियर रहेगी बात? ठीक है। तीसरा, इस पे हमने एग्रीकल्चर पर ज़्यादा फोकस किया था। पहली पंचवर्षीय योजना में हमारा ज़्यादा फोकस एग्रीकल्चर पे था कि भैया देखो पहले पेट पाल लो, जब पेट भरेगा तो फिर इंडस्ट्रीज वगैरह लगाएंगे ना, पहले पेट तो भरे। तो हमने पेट भरने के लिए पहले एग्रीकल्चर पर फोकस किया और ये जो स्कीम थी ये बहुत सक्सेसफुल था, ये पहला 5 ईयर प्लान बहुत सक्सेसफुल था। याद रहेगा पहली पंचवर्षीय योजना से कितने क्वेश्चन पूछेगा? फर्स्ट क्वेश्चन कब से कब तक? 1951 से 1956। दूसरा, किस पर बेस था? आपका हेराल्ड डोमार मॉडल पे फॉलो करता था। तीसरा, एग्रीकल्चर पे फोकस था। और चौथा, ये मॉडल जो था, ये स्कीम जो थी, ये सक्सेसफुल थी। क्लियर रहेगा? जो चीज़ हिंदी में लिखी थी सेम चीज़ यहाँ पर आपको इंग्लिश में लिखी हुई है, पढ़ लीजिएगा। क्लियर बात? चलिए, नेक्स्ट आता है सेकेंड 5 ईयर प्लान, दूसरी पंचवर्षीय योजना। दूसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में पहला क्वेश्चन पूछता है माय डियर, ये कब से कब तक था? आंसर हो जाएगा, ये 1956 से लेकर के 1961 तक था, 1956 से 1961 का इसका टाइम पीरियड है। फिर पूछेगा ये किस मॉडल पे बेस था? ये पीसी महालनोबिस, प्रशांत महालनोबिस मॉडल पर बेस था, पीसी महालनोबिस मॉडल पर बेस था। और तीसरा क्वेश्चन पूछता है कि इस पर फोकस किस पे किया गया था? पहले वाले में एग्रीकल्चर पर फोकस हमने किया था, दूसरे वाले पे हमने इंडस्ट्रीज पे फोकस किया था। किस पे फोकस किया था? इंडस्ट्रीज पे फोकस किया था, उद्योगों पर। अब देखेंगे जितने भेल हो गया, राउरकेला वाला प्लांट हो गया, जितने बड़े बड़े प्लांट्स हैं वो आपको इसी टाइम पर मिलते हैं, 1956 से 1961 के बीच में। ठीक है, चलिए, जो मैंने बात आपको बताई सेम चीज़ यहाँ पर आपको इंग्लिश में लिखी हुई है, आप पढ़ लेंगे इंग्लिश वाले बच्चे। ठीक है, चलो, तीसरा आता है माय डियर, अगला आता है तीसरी पंचवर्षीय योजना, थर्ड 5 ईयर प्लान। इसकी पांच पांच साल ना, 51 से 56, 56 से 61, और ये कौन सा हो जाएगा? ये 61 से 66, 5 सालों का है। ये मॉडल जो है वो गार्डगिल मॉडल पर बेस्ड था। किस मॉडल पे बेस्ड था? गार्डगिल मॉडल पे। फेमस क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है किस मॉडल पे? गार्डगिल। पहला वाला हेराल्ड डोमार पे, दूसरा वाला पीसी महालनोबिस पे, तीसरा वाला गार्डगिल मॉडल पर बेस था। डन है, क्लियर है। चलिए, ये जो थर्ड 5 ईयर प्लान था ये सक्सेसफुल नहीं रहा। इसका बड़ा रीजन माना जाता है कि हिंदुस्तान की पाकिस्तान चाइना से लड़ाई, ठीक है, ये जो लड़ाई हो गई थी, इस कारण से जो मॉडल था हमने इसमें जो टारगेट रखा था वो टारगेट अचीव नहीं किया था। हम हर 5 ईयर प्लान में एक टारगेट रखते थे,
और उसको अचीव करने की कोशिश करते थे। तो जो थर्ड 5 ईयर प्लान था, हमने उस टारगेट को अचीव नहीं किया। हमने टारगेट रखा था 5.6 का और टारगेट हमने अचीव किया था 2.4, मतलब ये उतना सक्सेसफुल नहीं रहा। आगे आते हैं माय डियर, ये सेम चीज इंग्लिश में लिखी है, देखिएगा इसको, पढ़ लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। चलो अगला आता है नेक्स्ट। अब देखो, तीन पंचवर्षीय योजनाएं हो गई, 51 से 56, 56 से 61, 61 से 66। उसके बाद 5 साल होना चाहिए, 66 से कितना होना चाहिए, 72 होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। योजना अवकाश हुआ, यहां पर 5 ईयर प्लान को रोक दिया गया था। इसके ढेर सारे अलग रीजंस हैं, हम वहां पर डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि भाई यूपीएससी लेवल की बात हो जाएगी, ठीक है। अभी हम यहां पे एसएससी, रेलवे, पीएससी की बात कर रहे हैं, पॉइंट टू पॉइंट फैक्ट्स पे बात करेंगे। तो ये योजना अवकाश है, जो योजना अवकाश है, ये 66 से 69 तक था, 3 साल, 66 से 69, 66 से 67, 67 से 68, 68 से 69, 3 सालों का योजना अवकाश था। इंपॉर्टेंट है, याद है, क्वेश्चन पूछता है कहां से कहां तक था हमारे 3 साल का, 66 से 69, 66 से 67, 67 से 68, 68 से 69, 3 सालों का योजना अवकाश था। याद रखिएगा, फेमस क्वेश्चन एग्जाम में पूछ चुका है, ठीक है, डन। चलिए अब आगे आते हैं माय डियर, नेक्स्ट आता है फोर्थ 5 ईयर प्लान, चौथी पंचवर्षीय योजना। अब चौथी कहां से होगी, 69 से होगी, तो 69 से 74 क्वेश्चन पूछता है। चौथी पंचवर्षीय योजना जो है कहां से कहां तक थी, 69 से 74, फेमस क्वेश्चन है, डन। इसी योजना के दौरान ही इंदिरा गांधी द्वारा एक नारा दिया गया था, गरीबी हटाओ, फेमस क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा है कि कौन सी इस योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। आप बोलेंगे फोर्थ 5 ईयर प्लान में, चौथी पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। नेक्स्ट ये देखिए, ये चीज इंग्लिश में लिखी है, इंग्लिश वाले बच्चे पढ़ लेंगे आराम से। नेक्स्ट आगे आते हैं माय डियर, पांचवी पंचवर्षीय योजना, फिफ्थ 5 ईयर प्लान, कब से कब तक था, 74 से 79, 5 साल का है, कब से कब तक हो जाएगा, 74 से 79 तक। इस देखो, हर मॉडल को डीप पे नहीं पढ़ना, जीके में 12 पंचवर्षीय योजनाएं हैं टोटल, 12 में सारी योजनाओं के बारे में नहीं पढ़ना डीप में, कुछ योजनाओं का टाइम बस पढ़ना है, काफी है, कुछ योजनाओं के बारे में 2-3 बातें पढ़ना है, इतना हमारे काम का है। वैसे तो यूपीएससी के लिए फिर हर एक योजना को डिस्कस करना पड़ता है, हर एक प्लानिंग को डिस्कस करना पड़ता है, लेकिन स्टेट पीएससी, रेलवे, एसएससी, जीडी, कांस्टेबल, इनके लिए पॉइंट टू पॉइंट बातें, जहां पर थोड़ी एनालिसिस की जरूरत होती है, मैं आपको बताता चल रहा हूं। तो जो पांचवी पंचवर्षीय योजना है माय डियर, 74 से 79 थी, एक बात याद कर लीजिएगा। साथ ही साथ इसका मॉडल तैयार किया था डीपी धर द्वारा, किसने तैयार किया था, डीपी धर ने, फेमस क्वेश्चन। इस योजना से सिर्फ 2 क्वेश्चन आते हैं जो मैंने आपको बता दिया। अगला आता है छठवीं पंचवर्षीय योजना, 6 5 ईयर प्लान, कब से कब तक, 80 से 85, कहां 80 से 85, दैट्स ऑल, इतना काफी है आपके लिए। छठवीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक हो जाएगी, 80 से 85 तक। ये देखिए इंग्लिश में लिखा हुआ है, बस इतनी पढ़ना, जो बात देखो वैसे तो बताने के लिए बहुत कुछ है पंचवर्षीय योजना में, एक पंचवर्षीय योजना के 2-3 पेज का नोट्स बनता है, हर एक पॉइंट को डिस्कस करना, एनालिसिस करना, इतना हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी आप एसएससी, रेलवे, कांस्टेबल, एसआई, पीएससी, ये इसमें डीप नहीं जाना, यूपीएससी में बहुत एनालिसिस करना पड़ता है, यूपीएससी के मेंस में, तभी हम वहां पर नहीं जा रहे हैं, उस एंगल को टच नहीं करते अपन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है सातवीं पंचवर्षीय योजना, 7th 5 ईयर प्लान। जो 7th 5 ईयर प्लान है माय डियर, इसकी टाइमिंग क्या है, 1985 से 1990, कितना, 1985 से 1990। और इसकी सबसे बड़ी बात यह थी माय डियर कि हमने टारगेट रखा था इसमें 5% का, और हमने हासिल कितना किया था, 6%, ये बहुत बड़ी बात मानी जाती है। इस प्लान में हमने टारगेट रखा था 5% का और अचीव किया था 6%, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात मानी जाती है, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट, आठवीं पंचवर्षीय वार्षिक योजनाओं की बात कर लेते हैं, वार्षिक योजनाएं। तो जैसे कि 85 से 90 हो गया, 90 के बाद में 2 सालों तक फिर से ईयरली प्लानिंग आई थी, 2 सालों तक, 90 से 91 और 91 से 92, जैसे वहां पे हुआ था 67 से 68, 68 से 69, 69 से 66 से 67, 67 से 68, 68 से 69, 3 साल था ना, 66 से 67, 67 से 68, 68 से 69। वैसे यहां पर 2 साल के लिए आएगा, 90 से 91 और 91 से 92, इसे एनुअल प्लान्स कहा जाता है, क्लियर है। चलिए उसके बाद फिर आती है आठवीं पंचवर्षीय योजना, 8वें नंबर का 5 ईयर प्लान। इसके बारे में बस 2 बातें याद करना है, पहला कि ये आपका टाइम था इसका 1992 से 1997, और दूसरा
जो हमने 1991 में 1991 में एलपीजी किया था, एलपीजी मतलब लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन किया था, है ना, उदारीकरण प्राइवेट आपका निजीकरण और जो वैश्वीकरण किया था, उसके बाद की पहली फाइवर प्लान था आठवीं पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट आता है माय डियर नाइन्थ नंबर का फाइव ईयर प्लान। नाइन्थ का जो टाइम है माय डियर वो कब से कब तक है, 1997 से 2002 का टाइम है। 1997 से 2002 वाला जो फाइव ईयर प्लान है उसको नौवीं पंचवर्षीय योजना कहा जाता है, नाइन्थ नंबर का फाइव ईयर प्लान कहा जाता है। इसका टारगेट था न्याय और समानता के साथ विकास, क्लियर है, डन है, और इसे भारत की आज़ादी के 50वें वर्ष में लॉन्च किया गया था, 50 साल के उपलक्ष्य में, 47 से 97 ऐसे क्वेश्चन पूछता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दसवीं पंचवर्षीय योजना, टेंथ नंबर का फाइव ईयर प्लान। इसका जो टाइमिंग है वो टाइमिंग हमारे लिए 2002 से 2007 की, इंपॉर्टेंट है, डन है, और इसमें टारगेट रखा गया था अगले 10 वर्षों में भारत की पर कैपिटा इनकम दोगुनी की जाए। जो पर कैपिटा इनकम है हिंदुस्तान की, जो प्रति व्यक्ति आय है, उसको कितना किया जाए, दो गुना किया जाए, डन रहेगा। चलिए फिर आता है ग्यारहवां फाइव ईयर प्लान, ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना। जो ग्यारहवां फाइव ईयर प्लान है, ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना है, इसका टाइम था 2007 से 2012। इसका मॉडल तैयार किया था किसने, सी रंगराजन ने, और इसका टारगेट था, थीम थी तेज और अधिक समावेशी विकास, इंग्लिश में कहा जाता है फास्ट एंड मोर इंक्लूसिव डेवलपमेंट। यूपीएससी आईएएस के प्री में क्वेश्चन पूछा है ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना का थीम क्या था, फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव डेवलपमेंट, क्लियर रहेगी बात। नेक्स्ट और लास्ट फाइव ईयर प्लान आता है बारहवीं पंचवर्षीय योजना, जिसका टाइम था 2012 से 2017 का। ये मॉडल भी सी रंगराजन द्वारा डिसाइड किया गया था और इसका थीम था तेज अधिक समावेशी और सतत विकास, इंग्लिश में कहा जाता है क्या, फास्टर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये है 12 पंचवर्षीय योजनाएं, जो बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपको जानना चाहिए मैंने आपको बताया। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि टोटल हिंदुस्तान में 12 पंचवर्षीय योजनाएं बनी हैं 51 से लेकर के 2012 के 17 तक। अब बीच में ऐसा क्या हुआ, बंद क्यों हो गया, 13 नंबर का फाइव ईयर प्लान क्यों नहीं बना माय डियर? 13 नंबर का फाइव ईयर प्लान इस कारण से नहीं बना, आपको पता होना चाहिए कि 15 अगस्त 2014 को भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले से एक अनाउंसमेंट किया, उन्होंने कहा कि भैया अब हम प्लानिंग कमीशन को बंद करने जा रहे हैं, योजना आयोग को खत्म करने जा रहे हैं, और योजना आयोग को खत्म कर दिया गया कब, 1 जनवरी 2015 को, और उसकी जगह पर नीति आयोग को लाया गया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और नीति आयोग का कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग है, वो अलग एंगल अलग तरीकों से काम करता है। तो प्लानिंग कमीशन के बारे में जो फाइव ईयर प्लान है वो मैंने आपको बताया, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो बता दीजिएगा। अगली वाली क्लास में मैं आपको नीति आयोग की पूरी स्ट्रक्चर बता दूंगा, कैसे काम करता है, क्या तरीका है, कितने मेंबर्स होते हैं, सारी बात है। वीडियो पसंद आया होगा, थ्योरी शानदार पढ़ाई है मैंने प्लानिंग कमीशन के बारे में, इससे ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। पंचवर्षीय योजनाओं का जो टॉपिक मैंने बताया है इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है अपने आपको, मोर देन इनफ मैंने आपको बता दिया है, इतना काफ़ी है आपके लिए। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, क्लासेस में कमी नहीं आएगी। अब फिक्स हो गया है, नो ट्रांसफर, सब कुछ सेट हो गया, अब बेहतरीन घर ले लिया है, मैं कभी रूम का टूर करूँगा, एक नंबर सपनों का घर है भाई साहब, बेहतरीन घर मिला है आप लोगों के आशीर्वाद प्यार से, अच्छा घर है, अच्छा स्टूडियो मिल गया, बेहतरीन स्टूडियो का साइज है रूम का, और बहुत ही अच्छा है, वाइट कलर पूरा पुता हुआ है, रिफ्लेक्शन नहीं आ रहा है, जिससे लैंडलॉर्ड बहुत अच्छे हैं, ठीक है, बहुत सपोर्टिव हैं, और जो चीज़ मैंने बोला तुरंत उन्होंने किया, बहुत बड़ी बात होती है। कभी मौका मिलेगा तो उनसे भी अपन आपको रूबरू कराएंगे, और चीज़ें बहुत अच्छी हैं, बस पढ़ना है और पढ़ाना है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक बाय बाय, टेक केयर। सुबह 9 बजे, रात को 8 बजे, रात को 10 बजे और रात को 12 बजे। बाय, टेक केयर।